hello alaikum dear learners hope you are doing well in the last video we have discussed the scenario in the nibosh paper that has recently held on 2nd march 2022 and in this video we are going to discuss the question answer um, part of the paper under the platform of sakib nadim institute of occupational health and safety सबसे पहले निबोश आई का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि ये कैसा एग्जाम होता है मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था लेकिन फॉर द व्यूवर्स जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बताती चलूं कि ये एक ओपन बुक एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको 24 फोर आवर का टाइम दिया जाता है चौबीस घंटों के, के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पेपर रिसीव होता है और आपको उसे सॉल्व करके आंसर शीट के तौर पर के अंदर लिख के सबमिट करवाना होता है मैक्सिमम वर्ड काउंट जो पेपर का होता है वो होता है थ्री थाउजेंड और आपने कोशिश करनी होती है कि आप इसी के अंदर रह के ही अपने क्वेश्चन का आंसर करें ये एक सेनैरियो बेस्ड पेपर होता है जिसमें आपको एक सनेरियो गिवन होता है और उसके बाद छः से आठ सवाल होते हैं जिसको आप बुक्स की मदद से इंटरनेट मटीरियल की मदद से और सनेरियो को पढ़ते वक्त पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस पेपर की वो ये है कि इसमें है, तो अगर यूज करें, तो sure करें उन्हें अपने वर्ड्स में ही लिखें फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर को सॉल्व करने के हवाले से कि सिनेरियो को बहुत ध्यान से पढ़ें और अपने पास एक नोट पैड पे कुछ पॉइंट्स बना लें जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं ये जरूर याद रखें कि जो सिनेरियो है वो कैसी इंडस्ट्री पे है और कैसी ऑर्गेनाइजेशन पे है किस काइंड की ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि क्या वो ऑयल फील्ड के हवाले से है क्या वो सेरेमिक के हवाले से है क्या वो पेंट एंड डाइज के हवाले से है क्योंकि हर इंडस्ट्री के और हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट हैजर्ड्स और रिस्क होते हैं जिनको जिनका हमें ख्याल रखना है आंसर करते वक्त क्वेश्चन को तो उस हवाले से फिर हम ये देख सकेंगे कि क्या अप्रोप्रिएट रिस्क और हैजर्ड हैं इस इंडस्ट्री के हवाले से बुक और इंटरनेट सोर्सेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर करते वक्त क्वेश्चन को लेकिन कोशिश करें कि उन्हें अपने अल्फाज में लिखें और प्लेजरिज्म इसके बाद मैं आपको आंसर शीट का ओवरव्यू दूंगी कि निबोश की जो आंसर शीट है वो किस तरह से होती है और आपने किस तरह से उसे फिल करना है सबसे पहले ये फर्स्ट पेज है जो आपको आंसर शीट जब रिसीव होगी और उसे आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने आएगा इसमें मेक श्योर की आप लर्नर नेम निबोश लर्नर नंबर और लर्निंग पार्टनर नेम ध्यान से लिखें और बिल्कुल करेक्ट लिखें ताकि आपको पहचानते वक्त निबोश को कोई भी मुश्किल ना हो ठीक है उसके बाद ये आंसर पोर्शन uh, होता है जिसके अंदर हर टास्क की क्वेश्चन का कुछ स्टार्ट गिवन होता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि, कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है इसके क्वेश्चन जैसे कि टास्क वन में आप देख रहे हैं व्हाट डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन और इसके नीचे क्वेश्चन वन के बाद एक स्पेस है इस स्पेस के अंदर आपने अपना आंसर जो है वो लिखना है और इसे फिल करना है फिर हम क्वेश्चन के बाद जब लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि योर टोटल वर्ड काउंट इसमें आपने अपने वर्ड का काउंट ध्यान से लिखना है मेक श्योर कि इस फाइल के अंदर 227 वर्ड्स पहले से मौजूद हैं जो कि उन्होंने नीचे लिखे होते हैं कि इस फाइल के अंदर कितने वर्ड्स मौजूद हैं जो फाइल के टोटल वर्ड्स हैं उसमें से आप इन वर्ड्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल वर्ड काउंट आ जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसे हम रेफरेंस भी कहते हैं मेक श्योर के आप हर क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट मेंशन करें कि आपने डाटा कहाँ से लिया या सनेरियो से पढ़ा या कोई अगर आपने इंटरनेट सोर्स या कोई बुक यूज की तो वो कौन सी थी ताकि अगर कोई इशू आए तो कम से कम वो वेरीफाई कर सके कि आपका डाटा इन्हीं लिंक्स में से है या फिर कहीं और से है जब वर्ड काउंट आप लिखें तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जो रेफरेंस के वर्ड हैं उनको भी आप माइनस कर दें क्योंकि वो वर्ड काउंट का पार्ट नहीं होंगे बल्कि वो जिस सिर्फ जो आंसर के वर्ड्स होंगे वो ही वर्ड काउंट का पार्ट होंगे इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ सबसे Uh, पहले तो मैं आपको बताती जाऊं कि जो हमारा सिनेरियो था वो एक कार शोरूम के एजेंट के ऊपर था जिनके uh, अंदर हमने काफी चीजें लास्ट वीडियो में डिस्कस की और उसी हवाले से अब हम आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन है कि बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो ओनली वट एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन टू वर्कर्स आर लाइकली टू बी कॉन्ट्रावेंट कॉन्ट्रावेंट का मतलब ये होता है कि माइनस कर देना ब्रेक कर देना के हाईलाइट करें एम्प्लॉयर की कौन सी ऑब्लिगेशन थी जो आपने इस सिनेरियो में देखा कि जो कि ठीक नहीं थी बहुत सारी ऑब्लिगेशन हमने सनैरियो को पढ़ी जो कि आई एल ओ कन्वेंशन रिकोमेंडेशन के खिलाफ थी और जो हमारे इंटरनेशनल लेबर रूल्स हैं उनके खिलाफ थी सबसे पहले कुछ चीजों को हम डिस्कस करते हैं आपको ऐसा मटेरियल इंटरनेट से भी मिल सकता है कि कौन सी ऑब्लीगेशन होना जरूरी है और फिर आप देख सकते हैं कि इस सनैरियो में कौन कौन सी ऑब्लीगेशन को फॉलो नहीं किया गया लेकिन सनेरियो को पढ़ते वक्त हुए कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ सबसे पहले के जैसे कि हमने पढ़ा कि जो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट थी वो पाँच साल पहले बनाई गई और वो भी एक पुरानी जगह पे बनाई गई उसके बाद जो कार शोरूम की जगह थी वो बदली गई लेकिन फिर भी कोई रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं बनाई गई और ना ही रिस्क असेसमेंट को प्रॉपर्ली असेस किया गया जो एम्प्लॉयर्स होते हैं आपके वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो किसी भी जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन रखें और अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करें लेकिन एक तो वर्कर्स को प्रॉपर कोई भी अवेयरनेस या नॉलेज इस हवाले से नहीं था कि वो कोई भी हैजर्ड रिस्क को रिपोर्ट करें और ना ही वो इसमें इंटरेस्टेड थे वो सिर्फ अपने प्रॉफिट में इंटरेस्टेड थे तो आप ये भी लिख सकते हैं इसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है वो उसकी जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशन की हायर जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर जैसा कि आपको पता है कि जो हायर मैनेजमेंट थी वो थर्ड फ्लोर पे थी उनके ऑफिस वहां थे और बाकी दोनों जो फ्लोर थे वहाँ पे सिर्फ लाइन मैनेजर जो था वो इंचार्ज था जो कि वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को इतनी तवज्जो नहीं देता था और ना ही हायर मैनेजमेंट की तरफ से उसे कोई इंस्ट्रक्शंस थे कि वो इन चीजों पे तवज्जो दे तो रेगुलेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी बिल्कुल भी ना होने के बराबर थी इसके अलावा ये होता है कि एम्प्लॉयर को प्रॉपर नॉलेज दी जाए अवेयरनेस दी जाए ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनको हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस का पता हो वो भी वहाँ पे नहीं थी एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग थी रीसेंट डाटा जो होता है हेल्थ एंड सेफ्टी का कि कितनी इंजरीज आ रही हैं या क्या एक्सीडेंट है वो भी कहीं पे भी नहीं था और ऐसे कोई डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद नहीं थे जिनके अंदर ऐसा कोई डाटा हो और अगर कोई वर्कर रिपोर्ट कर भी रहा है उनके पास ऐसा कोई एक्सीडेंट तो वो उसको ज्यादा तवज्जो तो नहीं देते थे बल्कि कोशिश करते थे कि मामले को निपटा दें कंपनसेशन दे के ताकि वो ज्यादा फोकस नहीं करें तो ये सारी एक एम्प्लॉय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टेक्निकली अपने मैनेजमेंट से कहे कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए या उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जाए वो ये चीजें डिमांड करें लेकिन एम्प्लॉय किसी भी तौर पे इसको इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे और वो हेल्थ एंड सेफ्टी को एक एडिशनल बोझ समझ रहे थे एज कम्पेयर टू कि वो इसको ये समझें कि ये उन्ही के लिए बेहतर है और उन्ही को इनका फायदा होगा ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की इसके अलावा भी आप सुनैरियो को पढ़ते वक्त मजीद चीजें लिख सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू है कि पार्ट ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज हैविंग गुड लीडरशिप इन प्लेस कमेंट ऑन द करंट लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर आपको कमेंट करने को कहा जाए या ओपिनियन शेयर करने को कहा जाए हमेशा कोशिश करें कि उसको दो सेक्शंस में डिवाइड करें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखें और नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स भी लिखें ना कि ये कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की ही बातें लिख दें और ना ही ये कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें लिख दें फिर नीचे नोट भी उन्होंने दिया कि तो है कि यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सनेरियो तो उन्होंने कहा है कि कोशिश करें कि सनैरियो को पढ़ते वक्त आप इस क्वेश्चन को आंसर करें तो कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हेल्थ एंड सेफ्टी जो थी वो जाहरी बात है टॉप मैनेजमेंट और अच्छी लीडरशिप की वजह से ही मेंटेन रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आपकी टॉप मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी और उसके ऊपर फिर इंसेंटिव्स या पेनल्टीज रखेगी और ये आपको कहेगी कि अगर आप इनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करे तो आपको जॉब से निकालने का खतरा है तो फिर हर जो वर्कर या इम्प्लॉय होगा वो स्ट्रिक्टली इसे ओबे करेगा और इसको फॉलो करेगा लेकिन अगर लीडरशिप ही आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं देगी और वो प्रायोरिटाइज सिर्फ अपने प्रॉफिट को करेगी तो फिर कोई भी जो इम्प्लॉय है वो इस बात को नहीं मानेगा और ना ही वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इतनी तवज्जो देगा इस सिनेरियो में जो हमारे पास एमडी था उसने ये इंडिकेट किया कि सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव रिएक्शन की बात करते हैं जो एमडी के हवाले से थे कि उसने कम कम से कोशिश की कि वो एक रिस्क रिपोर्ट बनवाए। उसके लिए उसने एक बंदे को जिसके पास हेल्थ एंड सेफ्टी की कुछ सर्टिफिकेट और नॉलेज थी उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसने सीईओ से भी जब उस बंदे की ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद बात हुई तो एमडी ने ये रेफर किया कि ये एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कि ये हमारी कंपनी को भी फायदा देगी और हमारे इम्प्लॉयज को भी फायदा देगी जिस पे उसने इम्फोसाइज किया और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग हुई एक्शन प्लान के हवाले से भी तब भी उसने ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी पे बात की तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट थे कि कम अज कम उसने कुछ करने की कोशिश की और कुछ रिस्क को या कुछ एलिमेंट को हाईलाइट करने की कोशिश की अब बात करते हैं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में थे कि मैनेजमेंट जो है है वो इतनी फोकस्ड नहीं है। ना ही डायरेक्टर्स इतने फोकस्ड हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज और रेगुलेशंस को लेके और मैनेजमेंट को ही कुछ टारगेट और गोल सेट करने चाहिए जो कि उन्होंने नहीं किए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई प्रॉपर ऑडिटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो हेल्थ एंड सेफ्टी का ही होता जिसको प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होती तो वे बेहतर तरीके से कंडक्ट सकता इसको, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल इश्यूज या वैसे चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी पर्सन को हायर नहीं किया बल्कि अपनी ही कंपनी में से एक इंप्लॉय को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज थी ठीक है इसके बाद एज अ लीडरशिप उनके पास खुद भी नॉलेज और अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके और ना ही उन्होंने ये लेने की कोशिश की और ना ही अपने इम्प्लॉयज को पास ऑन की जिसकी वजह से जो जूनियर स्टाफ था वो भी इस चीज को इग्नोर करता रहा दूसरी बात ये कि जब एक्सीडेंट और इंसिडेंट का बताया गया उन्हें तो उन्होंने भी इस पे कोई बहुत ज्यादा फिक्रमंदी का इजहार नहीं किया बल्कि इसको दुबाने की कोशिश की और ये कहा कि कुछ ना कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करके वर्कर को चुप करवाया जाए वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे ठीक तरीके से अपने जूनियर स्टाफ के साथ जिसकी एक वजह यह भी थी कि वो थर्ड फ्लोर पे थे और बाकी दोनों फ्लोर पे वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख रहे थे और चीजें ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे जिनकी वजह से उनको ऑर्गेनाइजेशन uh, के फ्लॉज का और रिस्क का इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो इसके uh, वो इस चीज को समझते और इसके ऊपर कोई एक्शन लेते क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री को जैसे आप देख सकते हैं कि दो पार्ट्स हैं और दोनों दस दस नंबर के हैं तो आपने केयरफुली हर क्वेश्चन को नंबरों के हिसाब से प्रॉपरली है वो एड्रेस करना है पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द सनेरियो ओनली ओनली का ये मतलब है कि सिर्फ सनेरियो से देखते हुए क्वेश्चन का आंसर करें ना कि आप बहुत ज्यादा इंटरनेट सोर्सेज और बुक्स आंसर करें जो कि जनरल होगा कमेंट ऑन द अप्रोच टेकन टू द ऑडिट उन्होंने पूछा कि ऑडिट कर वक्त वक्त कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल किया गया उसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमने जैसे कि पढ़ा कि जो ऑडिट है उसको रिक्वायर होता है कि वो टॉप मैनेजमेंट उसमें पार्टिसिपेट करे और डायरेक्टर भी उसमें तवज्जो दें जो ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड किए जाए बताया जाए ये पॉलिसीज और प्रोसीजर हैं और ताकि ऑडिट में उन पॉलिसीज और प्रोसीजर को रिव्यू करवाया जाए लेकिन इस केस में ना ही टॉप मैनेजमेंट के डायरेक्टर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे थे और ना ही जो आपकी पॉलिसीज हैं वो मौजूद थी जिनको रिव्यू किया जा सकता इसके अलावा इट इज एन आइडियल सिचुएशन टू कॉल क्लोजिंग मीटिंग एंड डिस्कस एंड टेक पार्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट भी ऑडिट के अंदर इंटरेस्ट ले और वो मीटिंग करवाए अपने जूनियर स्टाफ को पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए बताए कि ऑडिट कितना जरूरी है और उसकी वजह से कंपनी को कितना फायदा हो सकता है इसके अलावा ऑडिट शुड बी डन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल ऑडिटर्स ताकि वो बेहतर तरीके से एक्शन प्लान बना सकें और उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें ऑडिट स्कोप मस्ट बी द करेंट सिचुएशन डजेंट इंडिकेट दैट इट विल कवर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के कहीं पे भी किसी भी जगह पर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली ऑडिट के अंदर एड्रेस uh, ही नहीं किया उन्होंने उन्होंने सिर्फ एज अ इंस्पेक्शन या एज अः uh, क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन uh, इस ऑडिट को लिया ना कि वो इसको केयरफुली इंप्लीमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते ये ये कुछ इंस्पेक्ट थे जो ऑडिट के हवाले से कार शोरूम वाले सनैरियो में जो कि इस पेपर का है उसमें देखी गई क्वेश्चन नंबर थ्री का ही सेकंड पार्ट है कि एडवाइस द एमडी ऑन द डिफरेंस बिटवीन एंड ऑडिट एंड वर्कप्लेस इंस्पेक्शन जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो ऑडिट है वो एज अ ऑब्जर्वेशन लिया गया और एज अ इंस्पेक्शन लिया गया एज कम्पेयर टू कि ये कि उसके अंदर एक प्रॉपर एक्शन प्लान होता है या प्रॉपर तरीके से ऑडिट करवाया जाता है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके अंदर आप गूगल से भी या इंटरनेट सोर्सेस से भी हेल्प ले सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड वर्कप्लेस इंस्पेक्शन और एड्रेस करते हुए एमडी को आप ये चीजें बता सकते हैं कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ सबसे पहले ये कि ऑडिट जो होते हैं टिपिकली ये एक्सपेंसिव होते हैं और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर एक जो एम्प्लॉय है वो हायर करना पड़ता है जो कि प्रोफेशनल हो और जिसको ऑडिट ठीक तरीके से करना आता हो और इसी के साथ साथ नॉलेज है ऑडिट को देखते हुए एक क्लोज आउट मीटिंग रखी जाती है जिसके अंदर तमाम जो हायर मैनेजमेंट है वो पार्टिसिपेट करती है और इम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करते हैं जिसके अंदर उनकी नॉलेज उनकी अवेयरनेस चेक की जाती है जो इंस्पेक्शन होती है वो नॉर्मली बहुत क्विक और एफिशिएंट प्रोसेस होता है जबकि ऑडिट जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जिसमें विद टाइम देखा जाता है कि क्या रिस्क और hazards जो है वो कंपनी के अंदर आ रहे हैं किस किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऑडिट जो होता है वो क्रिटिकल रिव्यू होता है इंटायर मैनेजमेंट सिस्टम का और इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का ताकि आप प्रॉपरली एवेलुएट कर सकें कि क्या चीजें की कमी है और कैसा एक्शन प्लान होना चाहिए और उस एक्शन प्लान को भी आप एज अ डेमो चेक करें लेकिन इंस्पेक्शन जो होती है होती है है एक एक फिजिकल रियलिटी कि आपने चीज ऑब्जर्व की उसको राइट right डाउन कर दिया और सजेशन दे रियालिटी रिकमेंडेशन दे दी कि ऐसी चीजें होनी चाहिए ऑडिट जो होता है वो इंक्लूड करता है एक कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पेपर जिसके अंदर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट और रेगुलेशन होती है जबकि इंस्पेक्शन में इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं यूज किए जाते ये एक सिंपल रिपोर्ट होती है इस केस में इस ऑर्गेनाइजेशन की केस में उन्होंने नाम तो इसको ऑडिट का दिया लेकिन ये एक इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन ही थी जिसमें उन्होंने चीजों को सिर्फ जज किया और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना दी इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू असेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क नोट भी उन्होंने दिया है लर्नर ओनली नीड टू फोकस ऑन द जनरल अप्रोच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू असेसिंग हेल्थ एंड एंड सेफ्टी रिस्क नॉट अ डिटेल्ड फाइव स्टेप अप्रोच जिसमें आपको पता है कि रिस्क को असेस करने की एक पूरी फाइव स्टेप अप्रोच होती है जिसमें हम देखते हैं किसी भी रिस्क या हैजर्ड को लेकिन उन्होंने क्या है आप सिर्फ जनरली सिनेरियो को देखते हुए ये बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क को फॉलो अप कर रही थी या नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तो बनवाई उन्होंने रिस्क असेसमेंट कंडक्ट तो करवाई लेकिन उन्होंने ये रिस्क असेसमेंट जो है ये आज से पांच साल पहले कंडक्ट करवाई जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और बिल्डिंग में थी उसमें भी उन्होंने नॉर्मल टॉपिक्स को टच किया स्लिप एंड ट्रिप एंड फॉल मैनुअल हैंडलिंग या वर्क एट हाइट ऑल्सो के कार शोरूम में इतनी ज्यादा वर्क एट हाइट वाला सनेरियो नहीं होता और इतनी ज्यादा हाइट पे काम नहीं होते फिर भी उन्होंने सिर्फ नॉर्मल इश्यूज़ को टचअप किया और प्रॉपरली कोई रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट उस तरह से नहीं बनवाई और अब जबकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं और बिल्डिंग भी चेंज हो गई है और उस हवाले से सनेरियो भी प्रॉपरली चेंज हो गया है तो उन्होंने कोई भी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट नहीं बनवाई और अगर अब भी वो ऑडिट करवा के ये बनवा रहे हैं तो वो सिंपल चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं कि कहीं से तार टूटी है या कोई इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है जो मेन इशूज है जिनको वर्कर्स भी हाईलाइट कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उनको रिस्क का इशू है इकोनॉमिक का इशू है मेंटल और हेल्थ का इशू है या साइकोलॉजिकल कुछ हैजर्ड्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में देखे गए उन चीजों को वो हाईलाइट नहीं कर रहे और वो उन चीज़ों को दबा रहे हैं जो कि ये बताता है कि उनका जो फोकस है वो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ कल्चर को फॉलो करने की तरफ नहीं है बल्कि सिर्फ वो रिस्क असेसमेंट अप्रोच इसलिए अपने बनवा रहे हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है वो अच्छा हो सके और वो ये बता सके वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं और जो चैलेंजेस उनको सामने आते हैं उसको वो ठीक तरह से हैंडल करते हैं जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट और इंसिडेंट भी हो रहे हैं और वर्कर भी छोड़ रहे हैं और इवन वो कोर्ट से ये की तरफ से ये दावा कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो उन्हें कंपनसेट करे क्योंकि उन्हें इंजरीज का सामना है या इन चीजों का जबकि ऑर्गेनाइजेशन इस पे प्रॉपरली किसी भी तरीके से फोकस्ड नहीं है

मार्क्स मिल सके कुछ चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ नेगेटिव इंडिकेटर्स को जो हमने देखे सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पांच सालों से एक ही उसने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाई है और उसके बाद उसने कोई अटेंशन नहीं दी कि वो कोई भी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनवाए रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो उन्होंने बनवाई भी है वो इनसुफिशियंट है और वो कोई भी प्रॉपर रिस्क को हाईलाइट नहीं कर रही उंसल और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंपनी के अंदर कोई भी उनके पास एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को देख सके और मैनेजमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है मैनेजमेंट का सारा फोकस जो है वो सेल्स टारगेट पे है जिसकी वजह से एम्प्लॉय पर प्रेशर है कि वो सेल्स को ज्यादा फोकस करे एज कम्पेयर टू की वो अपनी इंजरीज का बताए या कोई भी रिपोर्टिंग करे जो की एक नेगेटिव कल्चर के बारे में हमें बताता है एम्प्लॉय की कोई भी ट्रेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से नहीं की गई उन्हें कोई भी अवेयरनेस नहीं दी गई कोई भी नॉलेज नहीं दी गई इम्प्लॉय जो है उनको कहा जाता है कि, वो चुप रहे और अगर उनके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो भी जाता है तो वो ज्यादा हायर मैनेजमेंट तक बात पहुंचाई नहीं जाती जो लाइन मैनेजर है वो कोशिश करता है खुद ही बात करके एमडी से उसे सॉर्ट आउट करे और ऑर्गेनाइजेशन में वो बात ही ना फैले जिसकी वजह से जब एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट का इंप्लॉय दूसरे को पता ही नहीं चलता तो वो भी डिस्करेज होते हैं कि वो कोई भी एक्सीडेंट रिपोर्ट कर सके कंपनी जो है इसके अंदर यह है कि जो मैनेजमेंट है वो एक तो अपर फ्लोर पे उनका कोई भी ध्यान या उनकी कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है या उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से भी वो कोई एक्शन नहीं लेते रिपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए बनवाई जाती हैं ताकि कंपनी का इमेज अच्छा हो सके और इसमें लैक ऑफ विजिबिलिटी है कि कोई भी लैक ऑफ हाईलाइटिंग है कि कोई भी रिस्क या हैजर्ड को हाईलाइट नहीं किया जा रहा ठीक है जो डायरेक्टर है वो कोई भी एक्सपर्ट हायर नहीं कर रहे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का एज कंपेयर टू के जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो उसी को रिस्पांसिबिलिटीज दे दें जो के एक नेगेटिव कल्चर का बता रही हैं कि ये तमाम चीजें हो सकती हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स बेस्ड ऑन द सनेरियो ओनली वट ट्रेनिंग वुड यू रिकमेंड द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्या क्या ट्रेनिंग एम्प्लॉय की होनी चाहिए कम हो और फिर उसको के वाले से डिस्कस करें कुछ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो कि एक एम्प्लॉय की होती है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ सबसे पहले निबोश आईजीसी ट्रेनिंग होनी चाहिए या आईएसओ 45001 ट्रेनिंग जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रेनिंग है जो तमाम मुल्कों के जो हैं वो ले सकते हैं और उनको लेनी चाहिए ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी के रेगुलेशंस का उन्हें पता हो इसके अलावा कंपनी के अंदर इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए फायर सेफ्टी ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी होनी चाहिए क्योंकि अब कुछ सालों में हमारे पास जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या जो मेंटल इलनेस के इश्यूज हैं वो बहुत सामने आ रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए इस तनैरियों में जैसे कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ जो हैजर्ड है वो सामने आया हमारे तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए इमरजेंसी एक्शन प्लान की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो कैसे आपने एक्शन लेना है कहाँ पे इकट्ठे होना है वर्कर्स को कैसे आपने सेव करना है क्या आपके पास uh, दूसरे दरवाजे मौजूद हैं जहां से आप निकल सकें और ऐसे तमाम इक्विपमेंट आपके पास मौजूद हैं जैसे कि फायर एक्सटिंगशन वगैरह जिनसे आप उस वक्त कोई भी जो है अपनी हेल्प कर सकें इसके अलावा सेफ्टी मैनेजमेंट लीडरशिप की ट्रेनिंग लीडरशिप और टॉप मैनेजमेंट के को देनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि उन्होंने कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो करना है और इम्प्लॉय को करवाना है इसके बाद वर्क प्लेस वायलेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ताकि लोग मोटिवेट रहें और वो ज्यादा से ज्यादा काम भी करें और हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखें और कोविड के सिनेरियो को देखते हुए पेंडेमिक प्रिपेयरनेस ट्रेनिंग भी वर्कर्स को दी जा सकती है ये कुछ जनरल ट्रेनिंग्स थी जिनको मैंने जिनका मैंने आपको बताया और सिनेरियो को देखते हुए आप ये तमाम ट्रेनिंग्स का लिख सकते हैं थैंक यू सो मच डैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं निवोश के कोर्स में या क्लासेस लेना चाहते हैं या कोई भी चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक like करें कमेंट करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और अपने फेलोज के साथ शेयर करें Thank you so much and fia